शिव शक्ति सेवा फाउंडेशन का वार्षिक उत्सव सम्पन्न। वाराणसी पराडकर भवन स्थित सभागार में सामाजिक संस्था शिव शक्ति सेवा फाउंडेशन का भव्य वार्षिकोत्सव मनाया गया। संस्था के संस्थापिका प्रीति रवि जायसवाल के नेतृत्व में समाज के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य कर रहे समाज सेवियों के साथ ही अपनी लेखनी के माध्यम से लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में अपनी सेवा दे रहे पत्रकार बंधुओं को सम्मानित किया गया। ऑल इंडिया न्यूज 24/7 के लिए वाराणसी से मुकेश पांडे की रिपोर्ट। सर फंस रहा है ऊपर, चौथा नहीं है, सही करिए उसको, सही करिए उसको ऊपर, हाँ सर लेमन टी पिला दें मसाले वाली। बजरंग भैया साथ में रहिए। महोदय जी अपना परिचय बता दें। मैं प्रद्युम्न जी अग्रवाल, अध्यक्ष अग्रवाल महासभा क्षेत्र। सर बजड़े पे रामोत्सव का आयोजन है, ये क्या कहना चाहते हैं इस अवसर पर? आज कल 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है। उसकी पूर्व संध्या पर एक दिन पहले जो है उन्होंने अग्रवाल महासभा के तरफ से कार्यक्रम रखा है, जिसमें महिला समिति का विशेष योगदान है और इसमें जो है राम दरबार और राम की स्तुति और भजन कीर्तन का कार्यक्रम। 22 जनवरी को सर ये जो अवकाश वगैरह चल रहा है, इस पर कुछ लोग आपत्ति उठा रहे हैं कि इसको गवर्नमेंट राजनीतिक इसको बना रही है, क्या कहना चाहिए? 22 जनवरी को जो छुट्टी हो रही है हमारे, हमको जहाँ तक जानकारी है इसमें व्यापारिक प्रतिष्ठानों के लिए नियम नहीं लागू है। सरकारी कार्यालय और जो बच्चों के स्कूल कॉलेज हैं उनकी छुट्टी है और इसमें ठीक है कि अच्छा कार्य हो रहा है, इसमें अगर सार्वजनिक छुट्टी घोषित हो रही है तो ये तो अच्छी बात है। इसको भी झुकाइए, मैं झंडा है आज प्रतिष्ठा है उसके परम सौभाग्य है लेकिन हम लोग का परम सौभाग्य। महोदय जी गंगा जी की गोद में बजड़े पर रामोत्सव का आयोजन हो रहा है, शुभ शब्द आपके सर, दो शब्द। आज हम लोग का सौभाग्य है कि जो है राम मंदिर का प्रभाव हो रहा है और उसके पूर्व संध्या पे हम लोग जो है बजड़े पर संकीर्तन हम लोग करने जा रहे हैं और काशी अग्रवाल समाज अग्रवाल महासभा के सभी लोग यहाँ इकट्ठे हैं और भव्य आयोजन होने जा रहा है। सर प्राण प्रतिष्ठा अवसर पर क्या कुछ विशेष आपके महासभा से? ये हम लोग का परम सौभाग्य है कि हम लोग उस युग में हैं जहाँ श्री राम मंदिर का प्रभाव हो रहा है, स्थापित हो रहा है, हमारे प्रभु श्री राम जो स्थापित हो रहे हैं, ये हम लोग के बहुत सौभाग्य की बात है और हम लोग जन्म जन्म का यह सौभाग्य है कि हम लोग इस युग में है और इसका आनंद ले रहे हैं। कुछ सर हिंदुओं के धर्माचार्य शंकराचार्यों का कहना है कि ये मंदिर अभी बना नहीं है या प्राण प्रतिष्ठा इसमें संभव नहीं है, क्या लगता है सर? आप सनातन धर्म को बड़े अच्छे से मानते हैं। 130 करोड़ की जनता है इस देश में, देखते हैं सबका अपना अपना विचार है। आदरणीय शंकराचार्य जी का अपना विचार है, वो कह रहे हैं तो अब हम किसके लिए क्या कह सकते हैं।